बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। नाम इस्तेमाल हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का होता है। दो दिन अली वाले बन जाते हैं, सारा साल जहालत दिखाते हैं। क्या इमाम बारगाह में जाते हुए सिर्फ़ ये बुरका करके जाना ड्रामेबाजी नहीं, सारा साल जहालत दिखाना ड्रामेबाजी नहीं। क्या हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से यही मोहब्बत है? आज की वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन भी ऑल पे सेलेक्ट कर दें, तो सोशल मीडिया ऐप्स पर जितनी भी नाचने वाली आपको मिलेंगी। ज़्यादातर का ताल्लुक इसी एक तबके से है। आप जिस भी बेहया तरीन खातून को देखेंगे, उसकी वाल पर चले जाएँ सोशल मीडिया ऐप्स पर, वो आपको आज कल के दिनों में, मुहर्रम के दिनों में, या हुसैन करती नज़र आएगी। नाचने गाने वाला भी आपको ऐसा ही मिलेगा। क्या हज़रत हुसैन की तालीमात सिर्फ दो दिनों के लिए थी? क्या इमाम बारगाह में जाकर पर्दे में रहना और फिर घर आकर करोड़ों लोगों को नीम बरहाना हालत में अपने जिस्म दिखाना ही हुसैनियत है? क्या सीना कोबी करना और मातम करते करते टिकटॉक वीडियोस बनाना हुसैनियत है? झंडे उठाकर मुंह पर मेकअप की कई लेयर्स बिछाकर नीम बरहाना करतूत करना हुसैनियत है? वाकई करबला से सबक तो हमें हासिल करना चाहिए था, मगर हम वो हासिल नहीं कर पाए। उल्टा हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा गंदगी फैलाने वाले यही नाचने गाने वाले टिकटॉकर, यही मीडिया दज्जाली निज़ाम पर छाए हुए शैतान हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रस्ते पर, उनके सहाबा के तौर तरीके पर चलने वाले हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और करबला के शहीदों के रस्ते पर चलने वाले हुसैन वाले हैं या इस तरह के करतूत करने वाले? सवालात तो बनते हैं, उनके जवाबात मिलना यकीनन बहुत मुश्किल है। राय दीजिए आज की वीडियो पर, कमेंट भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन भी ऑल पे सेलेक्ट कर दें।